तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल मैकेनिकल सर्च। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा लघु बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें आप 2 से 2500 रुपए के रोप मेकिंग मशीन से सीमेंट बोरी से रस्सी बनाकर आप घर बैठे महीने में 50 से 60 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस लघु उद्योग के बारे में पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप दिखाने और बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप इसी तरह की उपयोगी वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस बिजनेस का सबसे पहला प्रक्रिया होता है, ये जो सीमेंट बोरी होता है, धागा लगा हुआ होता है, उसे निकाला जाता है। उसके बाद दोस्तों, धागा निकाल लेने के बाद इस तरह से जो सीमेंट का जो बोरिया होते हैं उसे 2, 3, 4 या फिर अपने हिसाब से दोस्तों इसको इस प्रकार से रखा जाता है। और रखा जाने के बाद दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इस प्रकार से मोड़ा जाता है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं धागे निकाल लेने के बाद 2 या 3 या उससे अधिक बोरियां एक साथ रखा जाता है और इस तरह उसे फोल्ड किया जाता है। उसके बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो औजार होता है उसमें इस प्रकार से कट का निशान लगाया जाता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से जो बोरियां होते हैं सीमेंट का, उसे इस प्रकार से कट लगाया जाता है। तो दोस्तों, इसके आगे का प्रोसेस क्या होता है हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे, आप वीडियो के साथ बने रहिए। उसके बाद दोस्तों, इसका अगला प्रोसेस होता है, ये जो दोस्तों बोरिया को कट किया जाता है, तो दोस्तों इस बोरिया को एक पट्टी के रूप में लंबा काटा जाता है। तो दोस्तों, इसे काटा कैसे जाता है आप देखते रहिए, हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, ये था बोरिया जो काटने के बाद दिखता है इस प्रकार से। उसके बाद दोस्तों, इस बोरिया को पट्टी के रूप में बनाया जाता है, आप देख सकते हैं इस तरह से। दोस्तों, इसे इस प्रकार से काटा जाता है, पहले वाले को तिरछा काटा जाता है दोस्तों, उसके बाद जो कट का निशान होता है उसे अगले वाले जो कट का निशान होता है दोस्तों वहां से तिरछा काटा जाता है, जिससे यह जो बोरी होता है वह एक पट्टी के रूप में तैयार होता जाता है इस तरह से। और दोस्तों, जो बोरी होता है, एक बोरी दोस्तों लगभग 8 से 9 मीटर की एक लंबी पट्टी के रूप में तैयार हो जाता है इस प्रकार से जब कट लगाया जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, तो दोस्तों हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो बोरियां होते हैं वह कट लगाने के बाद इस तरह से 8 से 9 मीटर लंबी पट्टी के रूप में तैयार हो जाता है। और तैयार हो जाने के बाद दोस्तों, ये जो पट्टियां होते हैं उसे इस तरह से ऐसे मोड़कर एक बंडल का रूप दे दिया जाता है, और इसे इस तरह से बांध दिया जाता है, और इसका जो भंडारण होता है जहां पर इस तरह से तैयार करके रखे जाते हैं वहां पर इसे रख दिया जाता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहां पर इस प्रकार से तैयार करके बंडल बना के रखा जाता है। उसके बाद दोस्तों, इसे इसका काम मशीन पे किया जाता है, इसका जो मशीन होता है रोप मेकिंग मशीन, उससे इसे रस्सी बनाने का काम किया जाता है। तो दोस्तों, हम इसका आगे का प्रोसेस है उसे हम आपको दिखाएंगे इसका बाद वाला। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो रस्सी बनाने की मशीन है उसे तैयार किया जा रहा है, इस पर ऑयल डाला जा रहा है दोस्तों, जब इसमें काम होगा तो यह अच्छे से फ्री रहे और अच्छे से वर्क करे। दोस्तों, आप इस मशीन को देख सकते हैं, इसके सामने में जो 3 हुक दिए गए हैं और पीछे में इसका पैडल दिया गया है जिसे घुमाया जाता है जब इसमें रस्सी बनाया जाता है, तो इस वाली पैडल को घुमाया जाता है, और इधर का जो आप देख रहे हो दोस्तों, जो हुक लगा हुआ है वह घूमता है, और इसमें जो पट्टियाँ लगे होते हैं प्लास्टिक की बोरी का वह लपेटते जाता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इस मशीन को, रोप मेकिंग मशीन को यहाँ किसी ऐसे स्थान पर लगाया गया है जहाँ लंबी से लंबी रस्सी बनाया जाने में आसानी हो। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इसमें किस प्रकार से रस्सी बनाए जाते हैं। तो इसको दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो प्लास्टिक बोरी की जो पट्टियां हैं उसे इस प्रकार से ऐसे फंसाया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो नीचे का 2 हुक है वहाँ पर इस तरह से रस्सी फंसाया जाएगा।
उसके बाद दोस्तों पीछे से इसका जो पैडल होता है उसे घुमाया जाएगा और हाथ में पकड़ के दोस्तों पीछे की तरफ इस तरह से पीछे चलते जाएगा। और दोस्तों ये जो प्लास्टिक बोरी का जो पट्टी है वह ख़त्म हो जाएगा, तो इसमें दूसरा पट्टी ज्वाइन करेगा। दोस्तों कुछ कुछ दूरी में ये जो कटिंग वाला है उसे रख दिया गया है ताकि यह ज़मीन से उठाकर इसे ज्वाइन करते चले जाए। और दोस्तों इस तरह से इसे लंबे डोर के रूप में बनाया जाता है। और दोस्तों का जो कट पीस होता है, जो पट्टियाँ होता है, उसे सभी को डोर की तरह बना लिया जाता है। उसके बाद दोस्तों इस डोर को बनाने के बाद छोटा छोटा 4 से 4.5 फीट की लंबाई में एक छोटा रस्सी के रूप में सभी डोर को काटा जाता है। उसके बाद दोस्तों इस काटे हुए छोटे रस्सी को सप्लाई किया जाता है। दोस्तों इसका काम, ये जो छोटा रस्सिया होता है उसका यूज फसल जो काटते हैं उसे उठाने के लिए किया जाता है, जैसे कि धान का फसल होता है, गेहूं का फसल होता है, इस तरह का जो फसल होता है दोस्तों इसे उठाने के लिए इन रस्सियों का यूज किया जाता है। तो दोस्तों जो लोग रस्सियाँ बनाने का काम करते हैं वो लोग दिन में 400 से 500 के बीच रस्सियाँ बना लेते हैं इस प्रकार से। और दोस्तों ये जो रस्सियाँ होते हैं वह प्रति रस्सी 4 से 5 रुपये के बीच में बिक्री हो जाता है प्रति रस्सी। इस प्रकार से दोस्तों जो लोग इस प्रकार का जो काम करते हैं वह महीने में 50 से 60 हज़ार रुपये का इनकम कर लेते हैं। और दोस्तों अगर आपके एरिया में या आपके आसपास के इलाके में इस तरह का रस्सी का अगर मांग हो तो आप भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों ये जो रस्सियाँ होते हैं इसका मांग आसपास के डिस्ट्रिक्ट में अगर हो तो आप वहाँ इसे सप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसका जो रोप मेकिंग मशीन होता है वह आपको मार्केट 2 से 2.5 हज़ार के बीच मिल जाएगा। अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो रस्सियाँ बनाए जाते हैं इस तरह से, जो प्लास्टिक बोरी का जो पट्टी बनाया गया होता है उस तरह से रस्सियाँ लंबे रस्सी की तरफ बनाया जाता है इस तरह से। और दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें किस तरह से ज्वाइंट किया जाता है अगले पट्टी, एक पट्टी से दूसरे पट्टी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों एक पट्टी का जो भाग होता है वहाँ पर दूसरे पट्टी का जो थोड़ा सा भाग इसमें फंसाया जाता है और इस तरह से जो मशीन चल रहा होता है उसके जरिए दोस्तों ये जो पट्टियाँ होता है एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों ये जो पट्टियाँ, ये जो लंबाई पूर्ण हो जाता है जितना लंबा इसे बनाया जाता है, उसके बाद जो दूसरे रस्सी का जो पट्टी होता है दोस्तों उसे एक में जोड़ देता है। और जोड़ देने के बाद दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हुक लगाया जाता है इस तरह से, जिसे खींच कर पकड़ा जाता है। उसके बाद दोस्तों ये जो लकड़ी का आप गुटका देख रहे हो जिसमें कट लगाया गया है, इस तरह से इसे फंसाया जाता है और आगे की तरफ जाया जाता है दोस्तों। और पीछे जो रस्सी होता है, दोनों रस्सी वह आपस में मिलकर एक रस्सी के रूप में बनता जाता है और इस प्रकार से दोस्तों एक लंबी डोर के रूप में यह बन जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह से इस रोप मेकिंग मशीन में जो प्लास्टिक बोरिया का पट्टियाँ होते हैं उसे इस तरह से लंबा डोर के रूप में पहले बनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों इसका एक और प्रक्रिया बचता है जो छोटे छोटे आकार में डोरिया बनाया जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दोनों हुक में फंसा हुआ था जो रस्सियाँ उसे एक ही हुक में फंसा दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों इसमें आँच चढ़ाया जाता है, इसमें लपट चढ़ाया जाता है ताकि यह और भी अच्छे से मजबूत हो जाए और एक दूसरे से चिपक जाए। इस तरह से दोस्तों ये जो डोर होता है उसका निर्माण हो जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर जो जितना भी पट्टियाँ था उसे पूरा कर लिया गया है, इस तरह से डोर बना के तैयार कर लिया गया है। इसके बाद दोस्तों इन लंबी डोरियों को छोटे छोटे भागों में काटा जाता है 4 से 4.5 के फीट के आकार में और छोटा रस्सियाँ बनाया जाता है जिससे फसल को उठाने के लिए यूज किया जाता है। किसान लोग जो खेती करते हैं किसी कोई भी फसल का वह इसे काम में लेते हैं। उसके बाद दोस्तों इसे आप देख सकते हैं किस तरह से इसे छोटे रस्सी के कारण में काटा जाता है। इस प्रकार से दिए में इसको आँच दिखाया जाता है और आग के जरिए इसे इस तरह से काट दिया जाता है। दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह से
यह इसका आखिरी प्रक्रिया है। इस तरह से यह रस्सी बन जाता है जिसे फसल उठाने के लिए यूज किया जाता है, और इसके अलावा भी और कई यूज है जिस जहाँ पर इसका यूज किया जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।